हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आइए आज हम बात करते हैं एक खूबसूरत से प्लांट पर जिसका नाम है कैक्टस। और इसकी जो लुक है देखने में कांटेदार होती है, लेकिन इसकी ये शेप अपनी से डिफरेंट डिफरेंट शेप से अपनी जो खूबसूरती है उसके लिए ये काफ़ी फेमस है। तो वैसे तो पुराने टाइम में इनको घर में जगह नहीं दी जाती थी, इनको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल के जो एडवांस्ड हमारा जनरेशन है तो इसको काफ़ी अपने इंटीरियर में या ऐसे घर में इंडोर में इसको यूज़ किया जाता है। तो प्लांट कोई भी हो, जो कुदरत ने चीज़ हमें बना कर दी है वो कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम कैक्टस के बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास एक वैरायटी है जो कि बहुत कॉमन है। तो ये देखिए काफ़ी हाइट में है, और जब मैंने इसको लिया था तब भी ये काफ़ी हाइट में था, और उसके बाद इसकी ये तीन चार निकली, ऊपर से ये टूट गया था। तो मैंने इसको एक डिफरेंट जो है प्लांटर में ऐसे ही ग्रो करके देखा था, और उसकी जो कटिंग थी सक्सेसफुल हो गई थी। और ये देखिए, ये है वो एक टूटे हुए डब्बे में मैंने इसको लगाया था। अभी मैंने इसको किसी और प्लांटर में शिफ्ट नहीं किया है। तो ये देखिए, इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कटिंग ग्रो करने के बाद निकला था, और एक ये पाइन शेप एप्पल की शेप में दिखने वाला प्लांट है। और इसकी साइड में ये है जो इसका बेबी प्लांट इसने प्रोवाइड किया है। इसको थोड़ा सा राउंड करके आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, और इसको मिट्टी में हल्का सा ग्रो कर दबा दें तो ये ग्रो करेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप है इसकी। और ये एक और वैरायटी है। ये जो कैक्टस होते हैं ये इनको जो है पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसको एक बार पानी दे देंगे तो ये अपने अंदर काफ़ी क्वांटिटी में पानी को होल्ड करके रख लेता है, जिससे कि इसकी ये शेप आती है, बनती है डिफरेंट डिफरेंट। और इसको आप चाहे 10-15 दिन पानी ना भी दो तो भी ये खुद को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में इन्होंने पानी जो है अपने अंदर होल्ड करके रखा होता है, जिससे कि इसकी ये अलग सी शेप बनती है। और एक ये वैरायटी है, जो कैक्टस होते हैं आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उनके हमेशा कांटे होते हैं। तो ये देखिए, इसका भी एक बेबी प्लांट निकला हुआ है जो कि मैंने वीडियो शूट करते हुए ही देखा है, तो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको भी डिफरेंट पॉट में शिफ्ट करूँगी, तो इसका मैं एक अलग से छोटा सा गार्डन बनाऊँगी, क्रिएट करूँगी कुछ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सकुलेंट और कैक्टस दो अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग सकुलेंट और कैक्टस को एक ही मानते हैं, क्योंकि दोनों की जो आदत होती है, नेचर होती है, एक ही होती है। और एक ये अलग तरह की शेप, ये देखिए कितना खूबसूरत है इसकी शेप, और ये बहुत सारे बेबी प्लांट दे रहा है, ये देखिए। तो फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारे बेबी प्लांट हो सकते हैं अगर मैं इनको अलग से ग्रो करूँ तो। ये देखिए छोटे छोटे इसके जो है साइड में बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। इनको हल्का सा रोल करके तोड़ के आप मिट्टी में दबा दो तो ये ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये ऊपर से कितनी अच्छी शेप इसकी आ रही है। और ये साइड से टूटकर मैंने ये ग्रो किया था तोड़कर, तो ये देखिए इसकी ऊपर से शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ ही टाइम पहले मैंने इसको लगाया था। तो इसको आप चाहे धूप में रखें चाहे छाया में रखें, ये दोनों जगह ही सर्वाइव कर जाता है, लेकिन बस पानी का ध्यान रखना होता है कि वाटरिंग कैसे करनी है। तो ये दो कंटेनर है मेरे पास दही के, इनमें मैंने होल कर रखे हैं काफ़ी। तो जो आपने जो भी कंटेनर लेना है, प्लांटर लेना है, उसमें जो होल है वो ज़्यादा होने चाहिए, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी होल्ड ना हो। पानी होल्ड होगा तो उसमें पहले ही इतना पानी है तो वो उसकी जो रूट्स हैं, सिस्टम है, वो ख़राब हो सकता है, और आपका जो प्लांट है मर भी सकता है। तो मिट्टी इसके लिए मैंने ली है 50% जो है मिट्टी है, 50% जो है रेत है। इसमें कोकोपीट वगैरह कुछ हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो कोकोपीट है अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेती है। तो मिट्टी को मैंने कंटेनर में भर लिया है। तो आइए अब इसमें हम जी ग्रो करते हैं। ये मेरे पास पहले से लगा हुआ था, देखिए इसकी रूटिंग कितनी है, अच्छी है।
और इसको हमने बस मिट्टी में दबा देना है ऐसे। और एक नन्ना सा मैंने ये देखिए लगाया है, और इसकी ऊपर से हमने बस वाटरिंग कर देनी है। ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी जो है आपने ओवर नहीं होने देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़